यूपी की सीमा में घुसते ही 60 लाख की शराब के साथ चार तस्कर दबोचे। मथुरा में आबकारी विभाग ने दो अलग अलग थाना क्षेत्रों से अवैध रूप से तस्करी कर लाई जा रही हरियाणा और पंजाब निर्मित शराब को आबकारी विभाग की टीम ने लाखों की शराब को पकड़ा है। साथ ही दोनों ऑपरेशनों में चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत जेल भेज दिया है। हरियाणा और पंजाब से यूपी में खफाने के लिए लाई गई थी शराब। मथुरा, हरियाणा और पंजाब से कम कीमत की शराब को यूपी में ऊंची कीमत पर खफाने के लिए लाई गई 60 लाख से अधिक कीमत की शराब को आबकारी टीम ने प्रदेश की सीमा में घुसने के साथ ही अपने कब्जे में ले लिया। शराब की तस्करी कर रहे चार तस्करों के भी दबोचा गया है। शराब का बड़ा जखीरा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के महुअनकट के पास पकड़ा गया। यहाँ नारंगटेन टायरा ट्रक संख्या HR55G6116 से पुलिस ने 1070 पेटी शराब क्रेजी रोमियो व्हिस्की शराब आबकारी टीम ने जब्त की है। इसकी कीमत करीब 55 लाख बताई जा रही है। टीम ने शराब के साथ तस्कर सर्वजीत सिंह पुत्र सेवा सिंह निवासी ग्राम किला फार्म थाना वेवा कुरुक्षेत्र हरियाणा को भी गिरफ्त में ले लिया है। दूसरी ओर सैयदा की मजार के पास से करीब लाख रुपए कीमत की 65 पेटी शराब पकड़ी। शराब को तस्करी कर ले जा रहे चल कुमार पुत्र रविंद्र सिंह निवासी भरपौली बिहार, मुकेश सिंह पुत्र कामेश्वर सिंह निवासी सरसा बिहार तथा इन्हीं का साथी लक्की पुत्र अमरेंद्र गिरफ्तार किया है। आज दो जगह विभिन्न विभिन्न जगहों पे दो टीमें चेकिंग का कार्य कर रही थी और उसी दौरान मुखबिरों से सूचना प्राप्त हुई तो दो वाहन पकड़े गए। एक वाहन में बड़ा ट्रक है जिसमें 1170 पेटी क्रेजी रोमियो इसकी की हैं जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 55 लाख रुपए और ये पकड़ा गया है महुमनकट के पास। आबकारी निरीक्षक श्री देवेंद्र कुमार जी के नेतृत्व में वो टीम थी और एक दूसरी छोटी टाटा 207 पकड़ी गई है जिसमें 65 पेटी रॉयल स्टैग जिसकी पकड़ी गई है। इसकी भी कीमत लगभग 4.5 लाख रुपये की है और ये उत्तर प्रदेश में खपाने के उद्देश्य से जो कम मूल्य की दारू वहाँ से लाके और उत्तर प्रदेश में बेचने का इनका उद्देश्य था। कहाँ से ला रहे? ये लोग हरियाणा से ला रहे थे और पंजाब से। कितने लोग गिरफ्तार किए? कुल चार लोग गिरफ्तार हुए।